हेलो पबजी लवर्स, कैसे हो आप सब? मस्त बिंदास, फर्स्ट क्लास, जैक कास्ट। तो गाइज, हमेशा ऐसे ही रहो और खुश रहो। तो गाइज, अगर आप लोग यहाँ पे BGMI खेलते हो तो इस वीडियो को अभी से स्किप कर सकते हो, क्योंकि इस वीडियो के अंदर जिस इवेंट के बारे में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ वो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पबजी मोबाइल के पर्टिकुलर किसी सर्वर के अंदर आई है। तो सबसे पहले गाइज, आप लोगों को यहाँ पे इवेंट के ऑप्शन में चले जाना है। स्टार्टिंग में ही आप लोगों को यहाँ पे थर्ड नंबर पे एक इवेंट देखने को मिल जाएगी, जो कि यहाँ पे वॉर फ्रेम क्राफ्टिंग करके इवेंट है। गाइज, इस इवेंट के अंदर आप लोगों को सिंपली यहाँ पे चले जाना है। अगर आप लोग इंडिया से हो तो VPN लगाना पड़ेगा, तभी जाके आप लोगों की ये इवेंट ओपन होगी। बहुत से बंदों को अभी तक ये इवेंट देखने को नहीं मिल रही, क्योंकि गाइज वैसे तो ये इवेंट सुबह से आ गई थी, बट थोड़ा थोड़ा ग्लिच होते होते धीरे धीरे करके बंदों को रेंडर हो रही है। मुझे भी अभी अभी ये इवेंट दिखी है, तो फिर मैंने सोचा चलो मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। आप लोग यहाँ पे 11-12 बजे तक का वेट कर सकते हो, धीरे धीरे आप सबके भी अकाउंट में ये वाली इवेंट देखने को मिल जाएगी। और गाइज, यहाँ पे सर्वर की बात करें तो ये वाली इवेंट आप लोगों को टर्की सर्वर में, रशिया सर्वर में और इसराइल सर्वर में देखने को मिल जाएगी। और बाकी किसी सर्वर में हो तो आप लोग कमेंट करके बताना, ताकि और सब्सक्राइबरों को भी हेल्प मिल जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, हम लोग इस इवेंट के टाइमिंग की बात करें तो 10 तारीख से इवेंट स्टार्ट हुई है और 23 मार्च तक यहाँ पे चलने वाले है। इसके अंदर हम लोग रिवॉर्ड्स की बात करें तो राइट साइड में आप लोगों को यहाँ पे थोड़े से रिवॉर्ड्स देखने को मिल रहे हैं, जिसमें 20% पे आपको BP कॉइन देखने को मिल रहे हैं, 40% पे आप लोगों को एक परमानेंट बैकपैक मिल जाएगा, 60% पे आपको AG करेंसी मिल रहे हैं, 80% पे आप लोगों को यहाँ पे क्लासिक स्क्रैप मिल रहे हैं, और लास्ट में जब गाइज इस इवेंट को आप लोग कम्प्लीटली फॉलो करोगे और 100% आप लोगों की प्रोसेस भर जाएगी, तब आप लोगों को यहाँ पे एक बैकपैक मिल जाएगा, और वो भी परमानेंट बैकपैक रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये रिवॉर्ड है। अब आप लोगों को मैं इवेंट एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन मार्क पे हम लोग देखें तो यहाँ पे लिखा है डेली मिशन आप लोगों को दिए गए हैं, उसको आपको कंप्लीट करना है, जिससे आप लोगों को ब्लू प्रिंट मिलेगी, और उसी ब्लू प्रिंट से आप लोगों को यहाँ पे वॉर फ्रेम को क्राफ्ट करना है। ठीक है, और सेकंड पॉइंट में यहाँ पे लिखा है कि जैसे जैसे आप लोगों की यहाँ पे प्रोसेस बढ़ती है वैसे वैसे आप लोगों को रिवॉर्ड्स मिलेंगे। तो नॉर्मल रूल है, एक्सप्लेन करूँ तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे ढेर सारे मिशन देखने को मिल रहे होंगे, तो इसी सारे मिशन को गाइज आप लोगों को कम्प्लीट करने हैं, जिससे आप लोगों को यहाँ पे ब्लू प्रिंट मिलेगी। ठीक है, फर्स्ट मिशन में है यहाँ पे लॉगिन दिल्ली, तो आप लोगों को दिल्ली यहाँ पे लॉगिन करने से 2 ब्लूप्रिंट मिलेगी, तो उसको तो आप लोगों को सिंपली कलेक्ट ही कर लेना है, जैसे कि आप लोग देखो मेरे कलेक्ट हो चुके हैं। सेकंड नंबर पे आप लोगों को इवेंट को शेयर कर देना है 1 टाइम, तो राइट साइड में यहाँ पे ऊपर शेयरिंग का ऑप्शन है, वहाँ से आप लोग शेयर कर देना। मेरा यहाँ पे शेयरिंग पहले से कंप्लीट था, तो देखो कलेक्ट हो गया। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे 1 मैच कंप्लीट करनी है क्लासिक मोड में, उसके बाद 2 मैच कंप्लीट करनी है क्लासिक मोड में, नेक्स्ट आप लोगों को 1 एनिमी मारना है, उसके बाद आपको 3 एनिमी मारने हैं, और उसके बाद लास्ट में आप लोगों को फ्रेंड के साथ 1 मैच कंप्लीट करनी है। तो सारे मिशन में आप लोगों को यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो गाइज़ आप लोगों को क्या करना है कि सिंपली यहाँ पे क्लासिक मोड लिखे हैं, तो आप लोग जल्दी से इस इवेंट को फॉलो करना चाहते हो तो वैसे तो रैंक में कोई सा भी मैप लगा सकते हो, अनरैंक में भी कोई सा भी लगा सकते हो। और गाइज़ आप लोग यहाँ पे हेट मत फैलाना कि खुद मैप डाउनलोड कर ले पहले, क्योंकि मैं पबजी मोबाइल ज़्यादा नहीं खेलती इसलिए मेरे डाउनलोड नहीं है। आप लोगों को अगर जल्दी से मिशन कंप्लीट करना हो तो अनरैंक के अंदर आपको फर्स्ट पे आफ्टर मैच देखने को मिल जाएगा, तो उसी आफ्टर मैच को लगा के आप लोगों को गेम को कंप्लीट करना है। अब 3 मैच कंप्लीट करते ही आपके 2 मिशन कंप्लीट हो जाएंगे, और 3 एनिमी मारते ही आप लोगों के 2 मिशन कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि एक में 1 एनिमी मारना है, दूसरे में 3 एनिमी मारना है। ठीक है, आपको सामने वाले बंदे मारने हैं। आफ्टर मैच में बोट आप लोगों को जल्दी से मिल जाते हैं, तो आप लोग आफ्टर मैच में जाके किल कर सकते हो, और उसके बाद फ्रेंड के साथ 1 मैच कंप्लीट करनी है, तो इसके लिए भी आप लोग यहाँ पे लिविक लगाना। ठीक है, लिविक में आप लोग यहाँ पे डुओ लगाना और अपने फ्रेंड लिस्ट में से किसी भी फ्रेंड को आप लोग बुला लेना। ठीक है, यहाँ से और उसके साथ 1 गेम कंप्लीट करोगे तो आप लोगों का ये मिशन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद गाइज मिशन कंप्लीट होते ही आप लोगों के पास यहाँ पे ढेर सारी ब्लू प्रिंट्स हो जाती है, तो गाइज यहाँ पे जैसे ही आप लोगों के पास ब्लू प्रिंट होती है उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे इस इवेंट को थोड़ा सा नीचे की साइड स्लाइड करोगे तो आपको क्राफ्ट का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो एक क्राफ्ट आप लोग 12 ब्लू प्रिंट से कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे 12 लिखी है, मेरे पास अभी 4 है, तो मैं आपको क्राफ्ट करके नहीं बता पाऊँगी, बट जैसे ही आप लोगों के पास 12 ब्लू प्रिंट हो जाती है तो आप लोगों को यहाँ पे क्राफ्ट करना है। जैसे जैसे आप लोग क्राफ्ट करते जाते हो वैसे वैसे आप लोगों की प्रोसेस बढ़ती जाएगी राइट साइड वाली, और जैसे जैसे आप लोगों की प्रोसेस भर जाएगी वैसे वैसे आप लोगों को राइट साइड वाले रिवॉर्ड्स मिल जाएंगे। तो इस तरीके से गाइज आप लोगों को इवेंट को फॉलो करना है। आई होप आप लोग पूरी इवेंट को अच्छे से समझ गए होगे। चले गाइज, वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल हो तो लाइक शेयर ज़रूर करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके, बाय बाय।